इस लेक्चर में मैं ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कवर करूंगा, कॉमन एमिटर ये मैं अभी रब कर दूंगा, इसको मैं फ्रेश बनाऊंगा सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझ पाए। मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है पर मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझाने की कोशिश करूंगा, और सबसे इजी तरह से ये एचसी वर्मा में दिया है, पर मैं एनसीईआरटी को इसलिए कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड अगर एग्ज़ाम में आता है तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आप करेंगे। तो मैं ये सर्किट रब करूँगा, फ्रेश बनाऊँगा। मैं एक बेसिक चीज़ पहले बताता हूँ, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब क्या है। सॉरी, अगर मेरे मोबाइल से मैं कोई ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट लूँ और एक बड़े स्पीकर में कनेक्ट कर दूँ तो बहुत ही फेंट आवाज़ आएगी, मुझे कुछ सुनेगा भी नहीं। हेडफोन में तो मैं सुन लूँगा, मोबाइल के स्पीकर में सुन लूँगा, लेकिन मुझे इस ऑडियो सिग्नल को यहाँ सुनने के लिए, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है इन स्पीकर्स का, तो ये बहुत ही कम करंट प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे, जिससे मुझे बहुत ही कम वाइब्रेशन सुनने को मिलेगा। एम्पलीफायर क्या करता है, ये जो ऑडियो सिग्नल है इसको लेंस की तरह देखता है और इसी चीज़ को बड़ा करके देखता है अब, और इनफैक्ट इन्वर्ट भी कर देता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का एम्पलीफायर बनाया, तो इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है, हमारे वाले सर्किट में उल्टा करेगा, हम उसको सीधा भी ला सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देता है, और मैग्नीफाई करने के लिए क्या चाहिए, उसे और पावर चाहिए। तो हम यहाँ एक सर्किट लगा देते हैं अंदर, जो कि ये एम्पलीफायर है, उसको हम पावर देते हैं। बिना पावर के कोई चीज़ आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते, तो आपको पावर चाहिए। वो पावर इस सर्किट में एनर्जी देती है, इसकी पीक्स को बढ़ा देती है, जो पीक्स थी ये पावर इसकी पीक्स को बढ़ा देती है, और ये हाई पीक्स का हमें यहाँ आउटपुट मिलता है। मैं इसको जस्ट आपको, मैं सर्किट को फ्रेश बनाऊंगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ईजी भी लगेगा। अब ये मेरा सर्किट बना हुआ है मेरी टूटी फूटी सी टेबल के ऊपर। ये एक स्पीकर है, थोड़ा बड़ा है, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल का आउटपुट है मैं जो बोल रहा था, ये दो ग्रीन वायर्स जो हैं, और ये स्पीकर की इनपुट वायर है। मैं देखिए इसमें शायद अभी एफएम प्ले कर रहा होगा, एफएम सेट किया था मैंने, और होपफुली कुछ आ रहा होगा। ये मैं इसमें लगाता हूँ, दोनों तार मैंने कनेक्ट कर दिए, तो कुछ नहीं सुन रहा है, हल्का सा फेंट शायद वहाँ आवाज़ होगा स्पीकर के पास, लेकिन हाँ आपको आवाज़ आ रहा होगा हल्का हल्का। मोबाइल से मैंने डायरेक्ट स्पीकर को कनेक्ट किया। अभी इसी ऑडियो को मैं देखिए बढ़ा देता हूँ जब मैं एज एम्पलीफायर बीच में ट्रांजिस्टर का सर्किट लगा देता हूँ। अब ये मैंने कनेक्ट कर दिया है अपना सिस्टम, एम्पलीफायर के थ्रू स्पीकर कनेक्ट किया है, और ये मेरा ऑडियो का पॉजिटिव, ये जो मेरे हाथ में ग्रीन तार है, पॉजिटिव आउटपुट है। मैं इसको अब मैं माइक को रख देता हूँ नीचे, स्पीकर के पास सुन सके, पहले भी मुझे रखना चाहिए था, मैंने नहीं रखा, पर आवाज पहले भी कम थी। अब आप देखिए ये आउटपुट मैं ले रहा हूँ, और ये आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे, और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड पे। जम्मू कश्मीर में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत 14 केंद्रीय मंत्री दौरे पर। ऑडियो आउटपुट बढ़ जाता है जब मैं एम्पलीफायर यूज़ करता हूँ। तो डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो गया, मैंने रब भी कर दिया, अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कलेक्टर है और ये बेस है, ये एमीटर है। हमेशा डायग्राम ऐसे बनाते हैं, एरो जो लगता है बेस और एमीटर के बीच में लगता है, एरो ऐसे भी लग सकता है, उल्टा भी लग सकता है। हम NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, यानी कि ये N, ये P, ये N, और एरो हमेशा P से N की तरफ लगता है। तो क्योंकि ये N है, ये P है, ये N है, तो एरो ऐसे लगेगा, और एरो बेस और एमीटर के बीच में ही लगाते हैं। और NPN ट्रांजिस्टर आप लिख देना, आप NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। अब हमें ट्रांजिस्टर को सर्किट को कनेक्ट करना है, तो पहले मैं आउटपुट साइड की वोल्टेज लगा लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए, RC लिखते हैं उसे, क्योंकि कलेक्टर की साइड में है, और यहाँ पे बैटरी ज़्यादा दिखाते हैं, मैं बताऊँगा क्यों दिखाते हैं। ये आपका एमीटर है और यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एमीटर जो है कलेक्टर और बेस दोनों की साइड से कनेक्ट हो रहा है।
बेस को मुझे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे आर बी, और अब मुझे इसमें बायस देना है, मतलब इसमें मुझे पॉजिटिव वोल्टेज देना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड है। आपने देखा होगा कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये आई है, आई बी ये हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है याद रखिए, ये वी बी है, वी बी ई है, और 0.7 वोल्ट होना चाहिए नॉर्मली जो ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं उससे ऊपर होना चाहिए, तब ये कंडक्ट करना शुरू करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उससे नीचे जब होगा तो कट ऑफ स्टेज में होगा, कट ऑफ स्टेज में ये चीज़ आपका टूटा रहता है ये समझिए, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करता, आईसी फ्लो नहीं करेगा कट ऑफ स्टेज में। जब पॉजिटिव बायस होगा एक्टिव स्टेज में आएगा तब यहाँ करंट फ्लो करना शुरू करता है, तो हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेज में यूज़ करते हैं। ये 0.7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट लेके इस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा वी बी ई, ये आएगा डेल्टा आई बी, और ये अगर अल्फा है तो टेन अल्फा का वैल्यू है डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी, और ये होता है रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वेरी करेगा अलग अलग लोकेशन पे। ये है डेल्टा वी बी ई, ये एनसीईआरटी की बुक में यूज़ किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, और एक लाइन में मेंशन किया हुआ है कि इसको आप पहले रेफ़र कर लें इक्वेशन के लिए, तो ये मैं जब रेफ़र करूँगा मैं इसको फिर से मेंशन करूँगा, पर जस्ट इसको इनिशियली मैं बता देता हूँ। अब मैं ट्रांजिस्टर को यहाँ पे जो आपके बुक में जो डायग्राम है वही बनाता हूँ, तो उसमें यहाँ एक बैटरी दिखाएंगे, ये आपने दे दिया फॉरवर्ड बायस ट्रांजिस्टर को, और यहाँ पे देखिए बैटरी ज़्यादा है, बैटरी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि कलेक्टर को हमें बेस से ज़्यादा पॉजिटिव रखना है। ये एन है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है, तो कलेक्टर और बेस को हमें रिवर्स बायस करना होता है, बेस एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना होता है, इसको रिवर्स बायस में रखते हैं, अगर उसको भी फॉरवर्ड बायस में कर देंगे तो सैचुरेशन स्टेट में चला जाएगा, हमें एक्टिव स्टेट में रखना है, तो उसको रिवर्स बायस रखते हैं, वो तब होगा जब इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा होगा, तभी ये पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बायस में होगा, तो वी सी ई ये वोल्टेज सी पे बी से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ बैटरी आप देखेंगे ज़्यादा लगाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल डायग्राम, इसमें एक आप यहाँ पे आउटपुट ले लीजिए, एक यहाँ पे आउटपुट का लाइन खींच लीजिए, वी ओ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए वी सी ई, वी सी ई, क्योंकि ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है, कलेक्टर एमीटर, और ये बेस और एमीटर के बीच में, तो वी बी ई लिख लीजिए। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दें एग्ज़ाम में तो आप यहाँ तक लेंगे वी बी ई और वी सी ई, यहाँ तक रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक लेंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो नीचे तक है, ग्राउंड यहाँ है तो यहाँ से आप मेजर करेंगे नीचे तक, तो अब हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं। अब ये तो आउटपुट हो गया, इनपुट साइड में हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर लगाते हैं, जो मैंने दिखाया भी आपको, कैपेसिटर का पर्पस क्या है, कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है और एसी अलाउ करता है, तो डीसी तो इधर नहीं आना चाहिए और इनपुट में सिर्फ एसी जाना चाहिए इसके पास सिग्नल, एसी मींस ये सिग्नल, कैपेसिटर को अगर आप देखें तो डीसी वोल्टेज तो आप ऐसे करके ठाक से रुक जाएगी, लेकिन एसी वोल्टेज को आप ऐसे याद रखिए निकल जाती है, ऐसे याद करने का तरीका है कैपेसिटर जो है साइनोसाइडल सिग्नल अलाउ कर देता है, तो ये कैपेसिटर इसलिए लगाया हुआ है, ये ग्राउंड है, तो मेरा जो ऑडियो इनपुट है जो मोबाइल से मैंने लिया, एक तो मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया जैक से जो आ रहा था इनपुट, और एक आपने देखा वो तार में कनेक्ट कर रहा था, एक मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ था, और मैंने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाया था, मैंने उसको बहुत इजीली बायस किया था, मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, वो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, तो मैं वो नहीं करूँगा, मेरा पर्पस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराना। अब आप देखिए, आप इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में इसका किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, ये और ये, तो वी बी ई इज इक्वल टू ये वोल्ट, वी बी बी सॉरी बी बी, ये वोल्टेज वी बी बी लिख लीजिए और ये वोल्टेज वी सी सी लिख लीजिए, तो वी बी बी इज इक्वल टू, यहाँ करंट अगर आई बी फ्लो कर रहा है,
यहाँ करंट आई सी फ्लो कर रहा है तो यहाँ आई ई फ्लो करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई वी लिखना है हमेशा, ये ट्रांजिस्टर की फिक्स्ड इक्वेशन है। और एक बीटा होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बीटा होता है कॉमन एमिटर के केस में, कॉमन एमिटर हम ले रहे हैं इसमें बीटा यूज़ करना है, अल्फा होता है कॉमन बेस के केस में। सो बीटा यूज़ करना है वो है डेल्टा आई सी, मीन्स कलेक्टर करंट आपका कितना चेंज हुआ बेस वोल्टेज थोड़ी सी चेंज करने पे अपॉन डेल्टा आई बी, ये है बीटा ए सी लिख देते हैं इसे, और बीटा डी सी होगा आई सी अपॉन आई बी। तो बीटा इंपॉर्टेंट है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन एमिटर में आपको बीटा यूज़ करना है। सो ये दोनों इक्वेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप इम्पॉर्टेंट है। अब वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी किरचॉफ लॉ से प्लस वी बी ई, यहाँ पे जो वोल्टेज था वो यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, ये ड्रॉप हुआ और ये ड्रॉप हुआ और ये वी बी बी था, ऐसे लिख दिया। ऐसे वी सी सी को लिख दीजिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये यहाँ पे ड्रॉप हुआ और यहाँ पे ड्रॉप हुआ, वी सी ई और आई सी आर सी, तो आई सी आर सी प्लस वी सी सेम पैटर्न में है, याद करना भी ईजी है। अब दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, पहले मैं इनपुट वाला यूज़ करता हूँ, इसमें मैंने सिग्नल देना शुरू किया जो जिसकी वैल्यू वी आई है जो कि कैपेसिटर के थ्रू निकल के यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे वी बी था, अब उसमें वी आई ऐड हो गया, वी बी बी प्लस वी आई ऐड हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे करंट आई बी प्लस डेल्टा आई बी हो गया, और जो वी बी ई था ये आपका डायनेमिक है, ये चेंज होता है, ये देखिए ग्राफ में मैंने दिखाया डेल्टा वी बी ई चेंज होता है, डेल्टा जैसे आई बी चेंज हुआ वी बी ई भी चेंज हुआ, तो यहाँ पे वी बी ई प्लस डेल्टा वी बी ई हो गया और यहाँ पे आई बी प्लस डेल्टा आई बी हो गया। अब किरचॉफ लॉ लगाइए, आर बी आई बी प्लस डेल्टा आई बी और वी बी ई प्लस डेल्टा वी बी ई, डेल्टा वी बी इसलिए लिया क्योंकि आई बी चेंज हुआ, आई बी हो गया आई बी प्लस डेल्टा आई बी, जब डेल्टा आई बी हुआ तो वी बी ई भी चेंज होता है क्योंकि इक्वल टू है डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर। डेल्टा वी बी ई की वैल्यू कितनी है, आई बी इंटू डेल्टा डेल्टा आई बी इंटू आर आई, सो आर आई इंटू डेल्टा आई बी, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आर बी मैं एन सी आर टी वाले पैटर्न से करा रहा हूँ, आर बी डेल्टा आई बी प्लस वी बी ई प्लस आर आई डेल्टा आई बी, वी बी बी प्लस वी आई। अब इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए, वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, तो वी बी बी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई कट जाएगा, तो वी आई आया आपका डेल्टा आई बी कॉमन ले लीजिए आर बी प्लस आर आई, ये एन सी आर टी बुक में फिर आर लिख दिया है, तो वी आई की वैल्यू है डेल्टा आई बी आर बी प्लस आर आई जो के आर हो गया, और एच सी वर्मा के बुक में सीधा ये आर लेके डिराइव किया हुआ है जो कि बहुत ईजी हो जाता है, मगर एन सी आर टी में ऐसे दिया है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो हमारी इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन का एक रिलेशनशिप आ गया, आउटपुट का तो बहुत ईजी है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा वी सी सी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी आर सी प्लस डेल्टा वी सी ई, ये ज़ीरो है, तो डेल्टा वी सी ई की वैल्यू कितना है, डेल्टा आई सी आर सी, कहीं पे आर सी लिखा है एन सी आर टी में, कहीं पे आर एल लिखा है, मैं आर सी लेके चल रहा हूँ, इसको आर एल लिख लोगे तो आर एल हो जाएगा, तब आउटपुट आपको यहाँ लेना चाहिए, तो एन सी आर टी में आउटपुट तो यहाँ लिया हुआ है, इक्वेशन में आर एल लिखा है पता नहीं क्यों, तो आर सी आप लिखिए, मैं आर सी ही लिख रहा हूँ, और डेल्टा वी सी ई, और यही हमारा आउटपुट है, वी ज़ीरो जो है वही है, वी सी ई कितना चेंज हो रहा है वही आपका आउटपुट मिलेगा, तो इसको वी ओ लिखते हैं, डेल्टा आई सी आर सी, तो वोल्टेज गेन कितना आया हमारा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज कितना है वी ओ, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना आया, डेल्टा आई सी आर सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर, ये है आर जो है आर बी प्लस आर आई है, आर आई है इनपुट रेजिस्ट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, और डेल्टा आई सी अपॉन आई बी कितना, ये नेगेटिव में है, सॉरी ये नेगेटिव में है, माइनस में आएगा ये, तो ये माइनस में लिख लीजिए,
ये हो गया आपका माइनस बीटा आर सी अपॉन आर, ये हो गया वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। पावर एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को करंट गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर, और करंट गेन क्या है बीटा, तो ये माइनस बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन आर हो गया। मेन आता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन माइनस बीटा आर सी अपॉन आर। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा और समझ मैं समझाने के प्रयास में सफल रहा हूँगा।